बुनियादी तौर पर ये अफगानिस्तान के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग दी है कि अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं और हमने कैसे उसे मैनेज करना है। रहमतुल्लिल आलमीन पे भी जो बनी है अथॉरिटी उस पर भी बात की है, और थर्डली जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीका कार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीजें सेट। तो किसको अपॉइंट किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने? अभी समझ आ गई? अभी मेरा मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर वो जा रहे हैं। सर इंटरव्यू कब होंगे? इंटरव्यू कब होंगे सर? इंटरव्यूज कब होंगे सर? इंटरव्यूज कब है? इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। कंट्रोवर्सी पहले कभी भी नहीं बना, क्यों बनाया? बेटे देखे ये मसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक पोलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीका कार के। सो दुनिया एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले लिया करा। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। लास्टली लोड हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन विच पार्लियामानी पार्टी का इजलास था, इसकी सदारत वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने की। उस पर वजीर आजम ने जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर पार्टी को एतमाद में लिया, और जो हमें बहसीत एक हमसाए के जो रोल प्ले करना है और जो हम कर रहे हैं, जो हमने इकदाम उठाए हैं, जो हमारी इंटरनेशनल एंगेजमेंट थी, उसके बारे में पार्लियामानी पार्टी को इत्तेफाक में भी लिया गया